अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल आदाब एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हाँ अलीजा, मैं हाँ मिसबा, मैं हजमल। सो गाइस, आई होप आप सारे वधिया होगी, ठीक ठाक हो, हमेशा खुश रहो। रब आपते में बिल्कुल गाइस, रब आपते मेरे करे दिन रात रखे। अगर सर्ट वीडियो इस तरह लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करो, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। ते आज असी ताड़े लिए सॉन्ग लेके आए हैं जिदा नाम है इको है पंजाब, जो के पाकिस्तान वालों आई थिंक गाया गया है, जो सिंगर ने उनका नाम है समी जट। ते आओ सुनने सॉन्ग ते उस पर करते हैं रिएक्शन। बिल्कुल जी, कदे वीडियो स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नाली बेल आइकन क्लिक कर लो, तक सड़ी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपने मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट नाउ वीडियो स्टार्ट। इको है पंजाब साडा, बिल्कुल ऐ पंजाब भी मेरा, आओ मान है पंजाब दे लेख उजड़े कर साडे, उजड़े घर साढ़े ते खेत डुड़िया झोना खड़िया मक्कियां रोटियां एक डंग, हाय रोटियां एक डंग छत ते पक्कियां, हो गए ऐदां दे हालात आवे, हाय आवे रूणा मार के जात, साडा किसे नाल की जो सा सच्चे रब ते, हाय सच्चे रब ते बस भरोसा ही करू हिसाब साडा, की लैंदा ओना ही होल काल जे, ओना ही होल काल जे पैंदा, इको आ पंजाब साडा, इको आ पंजाब साडा। ਹੋਵੇ ਵਹਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕੱਢਿਆ, ਪਾਣੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਛੱਡਿਆ, ਨਹਿਰਾਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ, ਡੁੱਬ ਗਏ ਲਵੇਰੀਆਂ ਝੋਟੇ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ, ਆਏ ਖਾਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ, ਹੰਝੂ ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੇ, ਦੇਖ ਕੇ ਲਹਿਰਾਂ ਪਾਣ ਦੀਆਂ, ਆਏ ਖੋਰੇ ਕਿੰਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਟੁੱਟਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਗਲਾਏ ਘੁੱਟਿਆ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁਣ ਗੁਲਾਬ ਸਾਡਾ, ਹੋ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈਂਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੌਲ ਕਾਲ ਜੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੌਲ ਕਾਲ ਜੇ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ। ਯਾ ਫਿਰ ਸਾਜਿਸ਼ ਸਮਝੀ ਸੋਚੀ, ਜੋ ਵੀ ਆ ਰੱਬਾ ਹੈ ਰੋਕੀ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨੋਂ ਦਲੇਰ ਬੜੇ, ਆਓ ਖੇਡਣ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆ ਬਾਤ, ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਹਜੇ ਸਾਡਾ ਹੋਣਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦ, ਆਓ ਕਿੰਨਾ ਕਰਨ ਚਾਹੇ ਬਰਬਾਦ, ਅਸੀਂ ਉੱਠ ਫੇਰ ਖੜੇ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨਾ ਚੱਲਦੇ ਰੁੱਖੇ, ਮਿਹਤਰਾ ਜੋ ਕੇ ਇਹੀ ਮਿਹਤਰਾ ਜੋ ਕੇ ਇਹੀ ਪੁੱਛੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਦੇਣ ਜਵਾਬ ਸਾਡਾ, ਆਓ ਕੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਕੀ ਲੈਂਦਾ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੌਲ ਕਾਲ ਜੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਹੌਲ ਕਾਲ ਜੇ ਪੈਂਦਾ, ਇੱਕੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡਾ। बहुत ही सुपर डुपर अमेजिंग सॉन्ग जी समी जट वालों, जो है कि इको है पंजाब साडा, चाहे लैंदा है या चढ़दा है, दोनों दी जड़ां देखो, दोनों का जो जमीन देखो, दोनों जो दिल देखो, जुबान देखो, पहनावा देखो, वो एक ही आ, ठीक है। जिनी तकलीफ इधर वाले नूं हुंदी आ, उन्नी तकलीफ ही उधर वाले नूं हुंदी आ। उहदी एग्जाम्पल असीं इदां देख सकते हैं
कि लाइक हुण जो फ्लड वगैरह आए इंडिया पंजाब विच ते पाकिस्तान वाले ने जो है वो गेट वगैरह खोल दिते अपने एक पानी इधर नूं आ जाए ताकि लोगों का नुकसान ना हो सके। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा नुकसान होया जो साढ़े चढ़ते पंजाब वाले ने कि लाइक उन्होंने सारी जो फसल है वह खराब हो गई, झोना जिन्होंने कहा जाता है वह लाया होया सी वह सारा खराब हो गया। उस तो बाद जो है पानी इन्ना ज़्यादा सी कि जानवर जो है वो रुड़ गए ने, मतलब उन्हां दी अखां दे सामने गोते खा रहे ने, वो मार रहे ने, लेकिन वो नहीं बचा पा रहे उन्होंने, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा आया सी फ्लड वगैरह, तो उत्थे जो है इंडिया पंजाब वालों बहुत ज़्यादा प्यार दिता गया सी, बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट कीती गई सी। मैं कल देख रहा सी कि जो खालसा एड वाले ने लाइक उन्होंने राजस्थान वाली जो साइड है पाकिस्तान में उधर आप मुख्तलिफ जगह पर जो है कोई मस्जिद बनाई है, कोई स्कूल बनाया है, कोई पानी का सिस्टम लगाया है कि लोगों को हेल्प हो सके जो फ्लड की वजह से नुकसान पहुँचे। सी खालसा एड एक एडी अच्छी तंजीम है कि वो मजहब जात पात नहीं देखती, वो सिर्फ इंसानियत को देखती है। उस अलावा भी और बहुत सारे मुल्क ने जिथे खालसा एड वाले जाके बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, बहुत ज़्यादा हेल्प की, लाइक जो म्यांमीर में जो मामलात हुए सन उदू, फिर होर जिते भी दुनिया कितने भी कोने में मसला मसायल होए सब तो पहले खालसा एड वाले पहुँचते हैं। सो पंजाब की गल करिए, इंडिया पंजाब में जो है सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान ने कि पानी इन्ना ज़्यादा है कि उन्होंने छत उत्ते जो है अपनी खान पीन करना पे, ठीक है, उत्थे रिहायश रखनी पी उत्ते छत दे खुले आसमान थले। उस बाद जो है जिन्होंने डबल ट्रिपल स्टोरी सी उन्होंने तो किसी तरह जो है वो कर लिया, ठीक है, लेकिन जिन्हों का है ही एक सिंगल सी वो बेचारे किधर जाएंगे। तो मैं देख रहा सी बहुत ज़्यादा परेशान ने, एक फसल खराब हो गई, घर जो ने तबाह हो गए ने, तो असी दुआ ही कर सकते हैं और जितों तक साढ़े को हेल्प होएगी असं जरूर हेल्प भी करांगे कि रब चढ़ते पंजाब दियां मुश्किलां दूर करे, उन्हां लई आसानियां होन ताकि वो अपनी जिंदगी नूं अगे चला सकन। चलो एक कुदरती चीज़ है, इहदे अगे तो इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो चलो हुण इही है कि जल्दी जल्दी जो है पानी वगैरह किसी साइड नूं निकल जाए, जमीन खुश्क हो जाए ताकि दोबारा उनके कोई फसल लगाई जाए, क्योंकि मकई जो है खड़ी सी पक्की सी इस टाइम, कहने को थोड़े दिन तक जो है ना वो वड्डी जानी सी तो फिर उन्होंने मार्केट में सेल किया जाना सी, लेकिन वो सारा जो है नुकसान हो गया, सारी जो है ज़ाया हो गई पानी की वजह तो, जिंद वजह तो ठीक है परेशानी है, लेकिन पंजाबी जो ने इस चीज़ को सब तो पहले उन्हें जहन चाहिए होंगे कि हो या ना हो असी तगड़े रहना कैम रहने फसल, क्योंकि कभी अच्छी हो जाती है कभी माड़ी होंगी है, तो उन्होंने इस चीज़ की टेंशन नहीं होती। टेंशन है कि जो पानी है ना वो गुजर जाए किसी तरह, तो सानू जो है जिंदगी गुजारना आसान हो, असी रस्ते देख सकी, चल फिर सकी और अपनी लाइफ नू इजी कर सकी, मतलब कि जानी नुकसान जो है वो ना होए, क्योंकि माली जो नुकसान होंगे वह तो भरपाई की जा सकती है, लेकिन अगर कोई जान चली जाएगी तो वह दोबारा किस तरह वापस आएगी। सो यही दुआ है कि जल्दी जल्दी जो भी फ्लड वगैरह आया जल्दी जल्दी जो है चला जाए ताकि दोबारा तो अपनी लाइफ स्टार्ट कर सके। एग्जैक्टली गाना गल करिए, गाना बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, पाकिस्तान वालों उधर डेडिकेट किया गया है कि कोई है पंजाब साडा, इहदे च कोई शक नहीं है, और जिस तरह पाकिस्तान वालों ने उन्होंने मदद की है इस चीज़ के यकीन भी दिलाते हैं कि सिर्फ अभी मुँह जबानी नहीं कहते असं करके भी विखाने। सो ओवरऑल गाना बहुत ज्यादा अच्छा है, ऐसे दुआ यही दुआ करनी है कि जल्द तो जल्द पानी इधर उधर निकल जाए, जल्द तो जल्द जो किसान ने जो पंजाबी ने अपने दोबारा तो लाइफ जो है इजी कर सकन, इजीली गुजार सकन। सो गाइज अगर साडा रिएक्शन अच्छा लगा तो प्लीज गाइज चैनल नो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।